तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, हमारे जीजा जी है और हमारी बहन है, और फाइनली गाइज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैसा लगा था आप सबका हम आइए? कई साल बाद आइए, आपको कुछ याद हो? आप समझ सकते हैं गाइज, 3 साल बाद आए हैं और हम लोग गाइज देख सकते हैं फाइनली हम जो है दादर स्टेशन आ गए हैं। गाइज फाइनली जो है हम स्टेशन आ गए हैं दादर स्टेशन, और आप समझ सकते हैं कि फाइनली जो है हम मुंबई आ गए हैं। हाँ, फाइनली जो है हम मुंबई आ गए हैं। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे गाँव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं की खेती है, ये देख पा रहे हैं। जैसा कि अभी का सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं मुंबई। जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं मुंबई और देख सकते हैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, और बस अब यहाँ से जो है निकलते हैं, रवाना होते हैं। हमारी जो गाड़ी है ना गाइज, आप समझ सकते हैं कि 1 बजे का ट्रेन है और अभी मॉर्निंग का जो है ना 10 बज रहा है। हमको करीब यहाँ से 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा मुंबई के लिए। यहाँ से निकलते हैं घर से, और इस वीडियो में जो है ना आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम घर से निकल रहे हैं मुंबई के लिए, और हमारा जो जर्नी है कैसा रहेगा तो गाइस इस वीडियो में जो है ना हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। और हाँ, एक बात और है, जैसा कि आप गाइस जानते ही हो कि हमारे मोबाइल का कैमरे का क्वालिटी सही नहीं है, और बहुत ही जल्द हम एक अच्छा सा फ़ोन लेने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी हमको छोड़ के जा रहे हैं, जाए जाइए, अच्छे से जाइए। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारे घर की बाइक थी और ये दोनों लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं। फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं हंडिया मार्केट में, और यहाँ से हम जाने वाले हैं इलाहाबाद। जी हाँ, यहाँ से जाने वाले इलाहाबाद, और जो है ना आपको वहीं से जो है आपको जो है गाड़ी मिलने वाली है। हमारा जो गाड़ी का जो टाइमिंग है गाइस, जब समझ सकते हैं कि वो है 1 बजे, 1 बजे का है। गाइस यहाँ से चलते हैं, बस पकड़ रहे हैं, बस पकड़ने के बाद उस पर चलते हैं प्रयाग। तो गाइस फाइनली भी हम बैठ चुके हैं बस में, जैसे कि दोपहर बस में बैठे हुए हैं, और बस यहाँ से जाने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन। और ये देख सकते हैं हमारे गाँव के ये भी जा रहे हैं मुंबई, है ना? जी जी। तो गाइस फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज चौकी। जी हाँ, प्रयागराज चौकी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो है ना हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं मुंबई के लिए। तो चलिएगा, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा प्रयागराज जो चौकी स्टेशन है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज चौकी, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। और फाइनली हम गाइस पहुँच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा स्टेशन प्रयागराज चौकी। तो यहाँ से देखेंगे प्रयागराज चौकी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का बना हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बना हुआ है, ये है प्रयागराज चौकी स्टेशन। फाइनली भी हम पहुँचे हैं स्टेशन पे। हम आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, यानी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जनरल सीट है। तो देखते हैं कि सीट हमको मिलता है या नहीं, कि आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, देखते हैं सीट मिलती है या नहीं, और सफ़र तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हमको जो है ना सीट मिल चुकी है, फर्स्ट वाला सीट मिला है। आप देख सकते हैं सब नीचे बैठे हुए हैं, और हमको जो है ना फर्स्ट वाला सीट मिला है। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये बैग रखा हुआ हमारे सामने में। यहाँ से सफ़र करेंगे मुंबई के लिए, 24 घंटे का रास्ता है गाइस। देखते हैं रास्ते में जो कुछ होएगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल तो हमको जो है ना सीट मिल चुकी है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस कल जो है हम ट्रेन पर बैठ गए थे, हम आपको बता दें कि आज हमारा जो है सेकंड दिन है सफ़र मुंबई करने का। तो आज फाइनली जो है हम मुंबई पहुँच जाएंगे, करीब समझ सकते हैं 1 बजे लगभग पहुँच जाएंगे। दिल्ली से जाने के लिए 24 घंटे का सफ़र रहता है, और कई कई जगह जो वीडियो नहीं कैप्चर कर पाए, इसकी सॉरी कि आप समझ सकते हैं गाइस कि मोबाइल चोरी होने का भी डर रहता है, इसलिए मोबाइल जो है ना संभाल के निकालना पड़ता है, कहीं चोरी ना हो जाए। तो गाइस आज हम फाइनली जो है मुंबई पहुँच जाएंगे, और 1-2 घंटे का और सफ़र है। हम आपको बता दें गाइस बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग लाने वाले हैं आप सबके बीच में। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी जैसे कि आप जानते हो फाइनली भी हमें इस टाइम पर भी ट्रेन में। और हम पहुँच चुके हैं मुंबई। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं मुंबई, इंतजार की घड़ी खत्म, और हम पहुँच चुके हैं स्टैंड पर मुंबई। और स्टेशन का नाम है गाइज, हम आपको बता दें दादर। जी हाँ, हम दादर पहुँचने वाले हैं, और फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं एक बार फिर से मुंबई। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दादर स्टेशन कितना बड़ा है, और हम जो है ना फाइनली जो है पहुँच चुके हैं मुंबई।
गाइस देख सकते हैं फाइनली हम जो है दादर स्टेशन आ गए हैं। तो गाइस फाइनली जो है हम स्टेशन आ गए हैं दादर स्टेशन, और आप समझ सकते हैं कि फाइनली जो है हम मुंबई आ गए हैं। जी हाँ, फाइनली जो है हम मुंबई आ गए हैं और बहुत दिनों बाद आए गाइस, समझ सकते हैं एक महीना हो गया हम घर पे गए और मेरे बात फाइनली जो है मुंबई आ गए हैं। तो गाइस देख सकते हैं दादर स्टेशन, और आप देख पा रहे हैं दादर का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है स्टेशन का, देख पा रहे हैं जैसा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समझ सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है। और ये है बहुत बड़ी स्टेशन है दादर, ये है मुंबई की लोकल ट्रेन, ये देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाला सुपाला। तो गाइस फाइनली भी हम पहुँच चुके हैं नाला सुपाला स्टेशन, और गाइस यहाँ से भी हम जाने वाले हैं सिस्टर के घर पे। जी हाँ, दीदी के घर पे जाने वाले हैं। अब गाइस समझ सकते हैं कि हम जो है ना 2.5 से 3 साल बाद जा रहे हैं सिस्टर के घर पे। जी हाँ, 2.5 से 3 साल बाद जा रहे हैं सिस्टर के घर पे। देख सकते हैं अभी जस्ट हम यहीं से बाहर आए हैं नाला सुपाला स्टेशन जो है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं रिक्शा पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ेंगे सिस्टर के घर पे जाने के लिए। भाई आदित्य टावर चलेंगे हनुमान नगर। हाँ भाई, क्या भाई। तो भाई फाइनली जो है ऑटो में बैठ चुके हैं जैसे कि देख पा रहे हो, और यहाँ से हम जाने वाले हैं सिस्टर के घर। तो गाइस इंतजार की घड़ी खत्म, और फाइनली जो हम पहुंच चुके हैं अपने बहन के घर पे। जी हाँ, नाला सुपाला भी आ गए हैं, जैसा कि आप गाइस जानते हो कि मुंबई हम आ ही चुके थे, और फाइनली जो है ना हम बहन के घर पे आए हैं। और हम आपको बता दें गाइस 3 साल के बाद आ रहे हैं। जी हाँ, 3 साल बाद आ रहे हैं। चलिए गाइस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम दिखाने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बहन को हम दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं हमसे जो है ना बड़ी बहन है, आप देख सकते हैं इनका हम पैर छूते हैं। और कैसी हो बहन? ठीक है, देख सकते हैं हमारे बहन है, और ये हमारे जीजा जी हैं, इनका भी पैर छूते हैं। कैसे हो जीजा जी? एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज हमारे जीजा जी हैं और हमारी बहन है, और फाइनली गाइज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैसे लगा था आप सबका हम आइए? कई साल बाद आइए, आपको कुछ याद हो? 3 साल बाद। आप समझ सकते हैं गाइज 3 साल बाद आए हैं, और हम आपको बता देगा जब हम मुंबई में ही रहते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ हम जो है ना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो समय नहीं हो पाता था कि हम यहाँ पर आ पाए, लेकिन फाइनली जो है गाइज एक बार फिर से आ गए हैं। तो आप सब कैसे हो अभी? बहुत अच्छे हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा फाइनली जो है हम सिस्टर के घर पे आ चुके हैं, और अभी आप समझ सकते हैं कुछ दिन के लिए अभी फिलहाल हम यहीं पे रहेंगे 2-4 दिन के लिए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मुंबई जहाँ पे हम जॉब करते थे। और गाइस आप हमें ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम भी यूट्यूब पर काम करें, और मेहनत करना चाहते हैं गाइस। आप समझ सकते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में जो है हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द यूट्यूब पे भी मेहनत करें, और यहाँ पर भी आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। तो गाइस आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और घंटे को भी गाइस ऑल कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइस अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो ये दिख रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर भी आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।